आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। सर, जिस प्रकार से एक्साइज विभाग से लगातार ठेकों पर रेड मारी जा रही है, इधर भी आए थे, तो क्या कुछ मामला था? जिस प्रकार से, क्योंकि ये अब की बार 12 तारीख को नए ठेके छूटे थे जी, इसमें तकरीबन 50% काम में मेरे अपने लड़के के नाम से, कर्ण सिंह के नाम से, पूरा ज़िले में हमने ले रखा है जी। और बात कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है, क्योंकि एक्साइज महकमा किस प्रकार का दबाव बना रहा है, डीटीसी दबाव बना रहा है, वो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कहीं कहीं सरकार के दबाव में आकर के, तो वो क्योंकि हम कहीं कहीं कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं, और कांग्रेस से ताल्लुकात होने की वजह से वो बार बार इस बात का दबाव बनाते हैं कि आप अपने ठेकों पर कम रेट में शराब बेच रहे हो, जबकि जहाँ तक के शराब के रेटों की बात है, मैं डीटीसी से, एक्साइज इंस्पेक्टर से, ईटीओ से, मैंने बार बार उनसे मांग भी की कि मेरे नज़दीक पूरे महेंद्रगढ़ में और करीना में जिस प्रकार से लोग वहाँ 100 रुपये में 80 रुपये की शराब बेचने का काम कर रहे हैं, तो आप उनके तुरंत कार्रवाई करने का काम करें। मुझे भी मजबूरन होकर के उनके मुताबिक भाव मैंने भी एक दिन किया था, लेकिन उसके बाद में मैंने 160 रुपये पर बोतल करने का काम किया। मेरे यहाँ बिक्री नहीं है, क्योंकि सरकार का दबाव, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं विपक्ष का होने के नाते, कांग्रेस का होने के नाते, तो लोग मुझे परेशान करते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, जहाँ तक के डीटीसी की और ईटीओ की, इंस्पेक्टर की मिली भक्ति, जो ठेकेदार ये बाहर से लोग ले आए हैं, उनसे इन्होंने कहीं की पार्टनरशिप कर करके, और ये मैं समझता हूँ कि ये हमें परेशान करना चाहते हैं। मैं डीटीसी से और सरकार से मांग करता हूँ कि हमें अगर ऐसे ही, अगर विशेष व्यक्ति को अगर तंग किया जाएगा, इससे अच्छा तो हमने अपनी किस्त जमा कर दी, और सरकार अगर हमें ठेका नहीं चलाने देती तो वो अपनी चाबियां ले ले और आगा की बकाया का जिम्मेवार सरकार बढ़े, ये मेरी मांग है। और आज भी पूरे दिन ने जिस प्रकार की हमारी अपनी दुकानें सील करी गई, और पूरे इलाके में चाहे आप CID सिक्योरिटी कहीं से भी इंक्वायरी करवाओगे, तो आम आदमी ये बताएगा कि महेंद्रगढ़ में 100 रुपये की बोतल बिक रही है, नारनौल में 100 की बिक रही है, कनेड़ा में 100 की बिक रही है, अगर हम 160 की बेचते हैं तो इन लोगों के कहीं के पेट में दर्द होता है। तो मेरी तो यही मांग है कि तुरंत एक्साइज महकमे के खिलाफ कार्रवाई कर करके और निष्पक्ष जांच करने का काम करें। अगर हम कहीं कहीं लाइसेंस फीस देने में कामयाब नहीं या कहीं इनकी कानून से अलावा कोई काम करते हैं, तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई करें, लेकिन ऐसे बेकार में परेशान करने से, तो मैं समझता हूँ कि मैं कोई आज से ये शराब का काम आज से नहीं कर रहा, मैं 1977 में ये काम करने लगा था। आज तो चलो मैंने ये काम छोड़ दिया, क्योंकि मेरे अपने बच्चे करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से चाहे मेरे बच्चों को भी या मेरे किसी पार्टनर को तंग करें, तो वो समझता हूँ कि कहीं सरकार की मिली भगत होने के नाते वो हमें परेशान करना चाहते हैं। यही मेरी मतलब यही कहूँगा कि वो बार बार अपने बिजनेस पर आकर के बार बार परेशान ना करें। लगभग कितना मानते हैं आप कि भाई भाजपा सरकार में है और आप कांग्रेस से हैं, तो इसका कितना इफेक्ट है इस पर? इफेक्ट तो जहाँ तक पब्लिक में है, वो तो आपको पता है कि जिस प्रकार से मेरा आज से नहीं है, जिस प्रकार का लोगों से प्यार है, लोगों से स्नेह है, उसकी वजह से मैं ये तो नहीं कह सकता कि लोग मेरे पास नहीं आते। मेरा महेंद्रगढ़ से तकरीबन 2 किलोमीटर हट करके मेरा अपना सर्कल लगता है, और उसमें मैं अपने सर्कल में शराब की दुकान खोल रखी है, मैंने कोई नाजायज़ नहीं खोल रखी, और मैं अगर कोई चीज़ सफाई से बेचूँ या अपनी अच्छी दुकान बना करके बेचूँ, तो उसमें मैं समझता हूँ कि सरकार को या एक्साइज महकमे को कोई परेशानी नहीं। आज अपनी कोई दुकानें सील भी की गई हैं? जहाँ तक के दुकानें, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, जब सब एक रेट बेचते हैं और दुकान जब कोई बात आए तो
हमारी अपने दुकानें सील की जाती हैं, और कोई सारे जहाँ भी आप जाओगे उसी रेट में और बेच रहे हैं, उनको कोई जाकर देखने का भी काम नहीं कर रहा। या तो एक तरफी कार्रवाई हमारे ऊपर ना करें, हर व्यक्ति पे जितने भी लाइसेंस हैं उन पर सब पकड़ने का काम करें। बल्कि हमने तो लाइसेंस फीस भी दे दी, उन लोगों ने तो आज तक लाइसेंस फीस भी जमा नहीं करवाई, तो उनको तो इतनी छूट। और मैं एक कांग्रेस से अगर संबंध रखता हूँ तो मेरे खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई। लगभग कितनी दुकानें आज सील गई हैं, की गई हैं आपकी? आज तकरीबन ने मेरी अपनी नारनौल में 30 ठेके जो थे उन्होंने सील करने का काम किया है, जबकि पूरे नारनौल में और लोगों के भी ठेके थे, सिर्फ अपने अपने उनके ऊपर गए ही नहीं कोई। अटेली में भी थे, महेंद्रगढ़ में भी थे। तो और मैं, आप तो पत्रकार हैं, आप मीडिया से काम करते हो, आप भी जा कर के देख सकते हो। उन्होंने 100 रुपये का बाकायदा उन्होंने बन्नर लगा रखा है, जबकि हमने 160 रुपये का लगा रखा है।